करण मेहरा ने निशा रावल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरे जाने के बाद 11 महीने से घर में एक गैर मर्द के साथ। फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुए अभिनेता करण मेहरा और उसकी पत्नी निशा रावल बीते कुछ महीनों से अपने रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में हैं। बीते साल निशा ने करण पर घरेलू हिंसा और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस दौरान करण को जेल तक जाना पड़ा था। बता दें कि करण मेहरा ने अब तक कई बार रिश्ता बचाने की कोशिश की है और साथ ही ऊपर लगे इन आरोपों को गलत साबित करना चाहा है। हालांकि वो कभी इस बारे में कुछ ज्यादा बोलते नजर नहीं आए, लेकिन अब करण मेहरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। करण ने निशा पर इस बार कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में करण मेहरा ने कहा, मैंने सब कुछ सुनने के बाद उन्हें घर में आने दिया। हमने नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की। अब पता चला है कि मेरे जाने के बाद घर में एक गैर मर्द 11 महीनों से रह रहा है। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे घर में घुसा हुआ है। सब लोगों को पता है और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। बता दें कि करण मेहरा ने आगे कहा, मैं उनकी बेवफाई साबित करके रहूंगा किसी भी हाल में। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरे 20 साल के करियर पर कीचड़ उछाला। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अपना सब कुछ वापस लेके रहूंगा। पिछले एक साल से मैं भयानक दर्द से गुजरा हूं, अब और नहीं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।